हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अच्छे बने रहिए दोस्तों। आज के स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आए द 100 मैंस बॉल्स के मैच नंबर एलिमेंटर की। दोस्तों, ये मैच जो कि ज़बरदस्त जैकपॉट मुकाबला होने वाला है, जो कि खेला जाएगा ब्रिंगिंगम फोनिक्स वर्सेस साउथर्न ब्रेव्स के बीच। दोस्तों, ये एलिमेंटर का लगभग सेमीफाइनल मुकाबला है। जो भी जीतेगा वो खेलेगा फोनिक्स ओवल के साथ। दोस्तों, ये ज़बरदस्त मुकाबले की फ्री प्रेडिक्शन अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई। दोस्तों, प्रत्येक मैच की फ्री प्रेडिक्शन हम हमारे टेलीग्राम पे आपको देते हैं और जो मैच के हीरो हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। टॉस सेशन बिल्कुल आपको फ्री में मिलता है और सारी चीज़ें आप हमसे बात करके भी मैच की प्रत्येक चीज़ आप जान सकते हैं। चलिए, देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही गई होगी। दोस्तों, जो कि मैच पे सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड की, ये पेनिंगटन क्रिकेट ग्राउंड पर ये मैच खेला जाएगा। अभी तक के फास्ट रिकॉर्डों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस ग्राउंड पर 18 मैच खेले जा चुके हैं टोटल 100 बॉल्स के सेशन की, जिसमें से 5 बार फर्स्ट बैटिंग और 13 बार सेकेंड बैटिंग जीती। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी बॉलिंग पहले करेगा उसके लिए चेस करना बहुत ईजी होता है। दोस्तों, अगर थोड़ा सा यहाँ पर गहराई से देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर कितना बनाया, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 201 रन तक का भी बनाया, वो भी मैनचेस्टर ने बनाए थे 2023 में। दोस्तों, अगेंस्ट यहाँ पर इसने नॉर्थन के बल्लेबाज बनाए थे। अगर लोवेस्ट स्कोर पर नज़र डालें तो 89 रन बने हैं और वो भी ब्रिंगिंगम ने बनाए, और इसी साल बनाए उन्हें ओवल्स के खिलाफ। सबसे कम स्कोर यहाँ पर पहला मैच था इस साल का, और पहले मैच में सबसे कम स्कोर यहाँ पर बनाया था ब्रिंगिंगम ने। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर चेस्ट की, हाइस्ट चेस कितना हुआ है, तो यहाँ पर 201 रन तक का हाइस्ट स्कोर चेस कर लिया था मैनचेस्टर ने। यानी कि हाइस्ट स्कोर भी वही है और चेस वाला स्कोर भी। दोस्तों, यहाँ पर 196 रन साउथ ब्रेव ने ही बनाए थे अगेंस्ट मैनचेस्टर के पर। मैनचेस्टर की टीम खेलते हुए 100 बॉल्स पर 201 रन मार चुकी थी। उसमें यहाँ पर पॉप डुप्लेसिस ने बेहतर बल्लेबाजी की थी। और यहाँ पर अगर बात करें लोवेस्ट डिफेंडिंग की, यहाँ पर लोवेस्ट डिफेंड अभी तक यहाँ पर 125 का हुआ है और ये ओवल ने कहा था ब्रेकिंग कप के अगेंस्ट। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर बेहतर पिच है, बैटिंग को काफ़ी मदद कर रही है और यहाँ पर हो रही है। तो अगर टोटल हेड टू हेड कंपैरिजन करें तो 4 बार 5 मुकाबलों में से साउथ ब्रेव यहाँ पर जीत चुकी है। दोस्तों, यानी कि ब्रिंगिंगम मात्र एक बार ही जीती, यानी इस साल का जो पहला मुकाबला इन दोनों के बीच में हुआ था वो भी साउथ ब्रेव ने जीत लिया था। यानी कि दोनों की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो साउथ ब्रेव बहुत बेहतर टीम नज़र आती है। अब अगर देखें कि यहाँ के कौन सी प्लेयर को चेंजेस के साथ उतरने वाली है, ये चीज़ भी इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर बात करें लास्ट मुकाबलों के हिसाब से, अगर यहाँ पर कंपैरिजन स्कोर और प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो इसके सबसे सुपर हिवर रैंक खुद बतौर कैप्टन विंस की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर टूर्नामेंट में रहे हैं। और ड्रेविस यहाँ पर विकेट कीपर रहते हैं, ऊपर बैठता खास करके प्लेचर यहाँ पर बेहतर फिनिशर और तेज तर्रा रन बनाते। वही बात करें पॉली की, पॉली भी अच्छे खासे बेस्ट फॉर्म में नज़र आ रहे। इवेंट्स की और केरन पोलार्ड ने जिस तरह अशुद खान को 5 छक्के लगा कर मैच जिताया, और जॉर्डन बेहतर बॉलिंग नज़र आते हैं और जिसने ओपनिंग ओपनर जो स्पिन का काम करे बेहतर है। जोफ्रा चर भी काफ़ी बेहतर बॉलर है और मिल से भी बेहतर प्रदर्शन करी। यानी कि कह सकते हैं कि साउथ ब्रेव्स की बॉलिंग अटैक काफ़ी बेहतर है और कप्तान की फॉर्म को देखते हुए यहाँ पर बैटिंग भी उतनी ही ज़्यादा। अगर बात करें फोनिक्स की प्लेइंग 11 पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं तो दोस्तों, कप्तान मोइन अली है, लिविंग स्टोन है और वहाँ पर टीम साउदी है, तीनों ही बेहतर खिलाड़ी हैं और डक्ट यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट स्कोरर यहाँ पर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये टीम भी बेहतर है और किक बोर्ड जो भी बॉलिंग अटैक काफ़ी है, बोवेल बेहतर ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि बेहतर टीम नज़र आ रही है फोनिक्स भी, परंतु साउथ ब्रेव्स के विंसेस को अगर इन्होंने जल्दी किया तो यहाँ पर बेहतर जीत हो सकती है फोनिक्स की। अगर जीत के चांसेस पर अगर नज़र डालें दोस्तों कि कौन सी टीम बेहतर है और कौन सी टीम यहाँ पर जीत सकती है, तो दोनों टीम अभी तक बराबर हैं दोनों ही दृष्टियों से। पर अगर जीत का आंकलन और जीत के प्रतिशत के हिसाब से नज़र डालें तो यह साउथ ब्रेव्स बेहतर टीम है और पिछली बार की विनर भी टीम रही है। परंतु इस बार क्या चमत्कार रहता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार ब्रिंगिंगम फोनिक्स फाइनल खेलने वाली है और जीत की प्रेडिक्शन पूरी उनके साथ है।
टॉस प्रेडिक्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर साउथ वेस्ट पहले टॉस जीतेगा दोस्तों, टॉस जीतकर वो क्या चूज करता है उस पर भी नजर है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फुल डिटेल मैच के पहले ही आपको मिल जाती है, टॉस के लिए 3 घंटे पहले मिल जाता है और मैच पहले टॉस के बाद आपको मिल जाती है, एंट्री एंटर सब मिलती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।